हाय मैम। हाय त्रिपुरेश। हेलो मैम। हेलो प्रेम, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैम। हाय मैम। हाय मनोज, तुम कैसे हो? आई एम फाइन मैम, थैंक यू। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। वो अजूबा बस अब होने ही वाला है। अरे सही वक्त पर कैसे नहीं आते, ऐसा दिन रोज थोड़ी ही आता है। क्यों बाय द वे तुम्हारे सर कहाँ हैं? बुरे, बिल्कुल आसमान में डूबे हुए। ओहो एक मिनट प्लीज। सुनीता, तुम्हें अपने अस्पताल और मरीजों से फुर्सत मिल गई? तानी मत मारिए, फुर्सत कैसे नहीं मिलती, ऐसा दिन सदियों में एक ही बार आता है। वो तो है, कम आई शो यू समथिंग। आज आप लोग वो देखने जा रहे हैं जो आज से पहले ना कभी किसी ने देखा है और ना ही शायद कोई देख पाएगा। जिस आसमान को हम रोज देखते हैं, आज वो कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। इस सुंदर आसमान की शोभा बढ़ाने के लिए आज आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो चांद होंगे। लेकिन दूसरा चांद नहीं है, मंगल ग्रह है, जो धरती के इतना करीब आएगा जितना पहले कभी नहीं आया। ये लाल ग्रह जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे दो चांद। वाकई सर, आज की घटना अपने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक घटना का एक एक पल रिकॉर्ड किया जाए। तो जाओ और मंगल ग्रह को रिकॉर्ड करो। यस सर। जितना डेटा हो सकता है कलेक्ट करना। राइट, गेट टू वर्क बॉयज। यस सर। सर एक बात बताइए। हाँ? आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या? गड़बड़ नहीं तो नहीं। वो मंगल ग्रह धरती के इतने पास आ रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है साहब? डरने वाली बात नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है भाई। नहीं, वो बस्ती के लोग कह रहे थे कि इस तरह की घटना से मनुष्यता फैलती है, कुछ कुछ अनहोनी हो सकती है। इतना अंधविश्वासी होना भी ठीक बात नहीं, समझे? आप वैज्ञानिक है ना, आप इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में। और ये सब उस मंगल ग्रह की वजह से नहीं होगा बल्कि मेरी वजह से होगा, सिर्फ मेरी वजह से, और मेरे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से होगा, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से।
इस दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था, अब मुझे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कुदरत के नियमों को बदल कर रख दूंगा मैं। धरती पर रहने वाले किसी इंसान को मालूम भी नहीं होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कुछ ही देर के बाद दुनिया मेरी कायर हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ए मंगल ग्रह की शक्तिशाली किरणों, स्वागत है तुम्हारा इस धरती में। मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूं। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। लेबोरेटरी नंबर 203। बंद करो ये मधुर सवाल।
कल रात को जो हुआ मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा है कि वो सच था या सपना। सर वो सपना नहीं सच था, ये लीजिए उस घटना का सारा डेटा। गुड, एक्सलेंट वर्क बॉयज। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस डेटा से हमें कितनी मदद मिलने वाली है। थैंक यू सर। लेकिन इसमें वो तापमान बदलने वाला डेटा कहाँ है? सर वो डेटा तो पवन लाने वाला था ना। तो पवन कहाँ है, बुलाओ ना उसे। सर वो तो आज ऑफिस नहीं आया। ऑफिस नहीं आया मतलब क्या हुआ, तबियत खराब है उसे? पता नहीं सर, कल रात से वो दिखाई नहीं। और इवन पता नहीं, जब हम लोग कल रात को मंगल ग्रह को देख रहे थे तो हमारे साथ था या नहीं? मालूम नहीं सर, हम लोग अपने काम में इस तरह मशरूफ हो गए कि पवन कहाँ है हमें दिखा ही नहीं। फोन करो उसको, मैसेज भेजो, उसको कहो फौरन ऑफिस आए। ओके सर। नहीं सर, मैं कम से कम 200 बार उसका नंबर ट्राई कर चुका हूं, स्विच ऑफ भी बता रहा है। हाँ नहीं सर, मैं घर नहीं गया, ऑफिस में ही हूं, कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी थी सर, सुबह तक करके चला जाऊंगा। ठीक है सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट। ओके सर। अरे भाई कोई चाय पिला दो यार, रात भर जाग कर काम करना है भाई। बोला 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 गया कहाँ, क्या भी नहीं। क्यों आवाज कैसी? कैसे? वो मेरी ही गलती थी, जो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203? मगर वो तो बंद है ना, तू वहां क्या करने गया था? मैंने किसी की दर्द की चीख सुनी, लेकिन जब वहां पहुंचा तो कोई था ही नहीं। कोई नहीं था? फिर चीख किसकी थी? पता नहीं साहब, लेकिन मुझे बचा लीजिए। तू घबरा मत, मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, चला मेरे साथ। मैं बस तो जाऊंगा ना साहब। तुम चिंता मत करो बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो आ जाओ आ जाओ।
मैं यहाँ कैसे? मुझे तो भोला को हॉस्पिटल में भोला? ओह नो भोला 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 क्या हुआ? लाश का रंग नारंगी कैसे हो गया? सर जब भोला की मौत हुई थी तब तो लाश का रंग ऐसा नहीं था। हाँ, जब मैंने भी लाश को पहली बार देखा था तो ये रंग नहीं था। ये रंग नहीं, ये किरणें हैं शायद। किरणें? हाँ, किरणों से शरीर गल सकता है, सड़ सकती है। यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है इसका यह अंजाम किरणों की वजह से हुआ होगा। वही नारंगी चमक जैसी मंगल ग्रह की थी। पर वो ग्रह तो हम सबने देखा था, तो सिर्फ भोला ही क्यों? ये सिर्फ ग्रह को देखने की वजह से नहीं, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। मुझे लगता है मंगल ग्रह की किरणें किसी और चीज से टकराने के बाद भोला को लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत हुई। मुझे लगता है मंगल ग्रह की किरणें किसी और चीज से टकराने के बाद भोला को लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत हुई। किसी और चीज से? किस चीज से सर? I don't know। इसको देखकर तो ये लगता है कि शायद ये किसी गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। सर भोला को तो साइंस का एस तक नहीं पता था, फिर वो कोई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है? जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट भोला ने किया है, हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया हो, और ये इसकी बदनसीबी है कि ये उस वक्त मौजूद था। पर जब मंगल ग्रह धरती के नजदीक आया था तो भोला तो हमारे ही साथ था ना। शायद वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों के आसपास ही हो रहा था। क्या मतलब? लैब नंबर 203, भोला ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203, उसमें तो ताला पड़ा हुआ है, ये वहां क्या लेने जाएगा? सर मैंने एक दो बार पवन को उस तरफ जाते हुए देखा था। पवन को? और वो कल रात से गायब भी है। कहीं भोला की मौत और पवन के गायब होने में कोई संबंध तो नहीं? ये तो लैब नंबर 203 में जाने के बाद ही मालूम होगा। कितनी भयानक मौत हुई है भोला की, उसकी लाश के बारे में सोच सोच कर मेरी तो टांगे कांप रही हैं। वाकई कितनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी उसकी लाश। क्या ये सब इस लैब के अंदर जाने की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। तो फिर अंदर जाना जरूरी है क्या? कहीं हमारी भी हालत भोला जैसी ना हो जाए। अरे अगर अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि उस रात हुआ क्या था? देखो तुम दोनों को अंदर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कहेगा दिलीप सर से? हाँ कि तू कायर है, डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं समझदार हूं, क्योंकि मैं इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। देखो मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, और साइंटिस्ट बनने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। त्रिप्रेश, क्या हुआ तुझे? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। भोला के साथ भी यही हुआ था, मैंने कहा था ना तुझे कि हमें इस सब में नहीं मरना चाहिए। मरेंगे सबके सब, मरेंगे। त्रिप्रेश, त्रिप्रेश क्या कर रहा है? बचाओ मुझे। अरे
यारी त्रिपुरेश को क्या हो गया? त्रिपुरेश अब त्रिपुरेश नहीं रहा, वो अहवान बन चुका है। कुछ पता चला मनोज का? नहीं, मैंने सब जगह देखा, उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हुआ जो त्रिपुरेश और भोला के साथ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी भोला की हो गई थी। ये सब उन किरणों की वजह से हुआ है जो मंगल ग्रह से निकली होंगी उस एक्सपेरिमेंट के जरिए। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था। क्या ये किरणें इतनी जल्दी मास को गला देती हैं? बिल्कुल तेजाब की तरह? पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसको जल्द से जल्द रोकना होगा वरना कयामत आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मौत आनी ही थी तो फिर इसकी क्यों? प्रेम और मनोज भी तो इसके साथ थे, वो क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो लैब नंबर 203 में ही मिलेगा जहां वो जानलेवा एक्सपेरिमेंट हुआ था। दिलीप, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, वहां बहुत खतरा है। देखो संगीता, मेरा वहां जाना जरूरी है वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। दिलीप, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मैं वही कर रहा हूँ जो ठीक है। ओके, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सारा सामान टूटा हुआ है, सारा इक्विपमेंट, यहां आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ए संगीता, संभाल के, मशीन से दूर रहो। बस ये ये बैग, ये बैग तो पवन का है। ये अगर ये सब सामान यहां है तो वो खुद कहां है?
इसका मतलब उस दिन लैब में पवन था और भोला ने पवन की चीख सुनी थी। अरे ये यहां कैसे? ये तो पवन। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस सारी मुसीबत की जड़ कहां है। क्या मतलब दिलीप? ये मशीन देख रहे हो? हाँ। सब इसकी वजह से हुआ है। इस मशीन की वजह से? हाँ। 2 साल से पवन मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और मेरे लाख मना करने के बावजूद आखिरकार उसने ये भयानक एक्सपेरिमेंट कर ही डाला। भयानक एक्सपेरिमेंट मतलब? पवन कहता था कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मगर भोला और त्रिपुरेश? पवन ने कहीं पढ़ा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ तो इसे करने वाला तो मरेगा ही, साथ में उसकी आत्मा भी जलने लगेगी। फिर वह एक शरीर तलाश करेगी, उसके बाद एक और शरीर, फिर एक और शरीर, और यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि किसी इंसान के एक शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जलती हुई आत्मा को झेल सके। दिलीप, आप एक साइंटिस्ट होते हुए भी ऐसी आत्माओं की बातें कर रहे हैं? ये मेरी थियरी नहीं है संगीता, पवन ऐसा मानता था। मुझे तो डर है कि अगर उस किताब में लिखी हुई बात ये सच है तो पवन की आत्मा पहले भोला में और फिर त्रिपुरेश में गई होगी और अब वो एक नए इंसान का शरीर तलाश करने में लगी होगी। कहीं वो नया शरीर मनोज का तो नहीं? अरे ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, खोला किसने? खून? मनोज हाथ छोड़ो मेरा। सर अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। सर मेरा हाथ तो छोड़ो पहले। सर सुनिए तो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मनोज हाथ छोड़ो मेरा। सर त्रिपुरेश को पता नहीं क्या हो गया था, उसने उसने मुझ पर और प्रेम पर हमला कर दिया। लैब नंबर 203 में क्या हुआ था मनोज? त्रिपुरेश हमें मारना चाहता था सर। क्यों? सर त्रिपुरेश पर न जाने कौन सी अनजानी शक्ति सवार हो गई थी सर। मुझे बताना।
मनोज 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 अगर वो आत्मा तुम्हारे शरीर में भी नहीं है तो फिर किसके शरीर में गई होगी? कहीं प्रेम के शरीर में तो नहीं? हिम्मत रखो प्रेम, हिम्मत रखो, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। हाँ कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ दर्द कहाँ हो रहा है? हाथ में, हाथ में। डॉक्टर मेरे हाथ, मेरे हाथों, डॉक्टर प्लीज मुझे मार डालो डॉक्टर, नहीं तो मेरे हाथ ही काट डालिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कैसे भी करके मुझे इस पेन से राहत दिलाइए डॉक्टर। कहीं पवन के हाथ में तो तुम्हारे शरीर में नहीं आ रही? डॉक्टर मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, दवा चाहिए डॉक्टर, मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, डॉक्टर 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 बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर। संगीता, संगीता, तुम ठीक तो हो? दिलीप, हाँ? मेरे बच्चे वो आ गए। मैं भी प्रेम के वार्ड में गई थी और क्या क्या हुआ? उसने तुम्हारे पर हमला किया? नहीं दिलीप, प्रेम अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? तो फिर कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहीं भी अस्पताल के बाहर तो नहीं चला गया? मैं नहीं जानती दिलीप। देखो, अगर वो अस्पताल के बाहर चला गया तो बहुत गलत हुआ है। पवन की आत्मा अगर उसके अंदर चली गई तो वो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। हमें उसे ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा। पता नहीं प्रेम का शरीर पवन की आत्मा को झेल पाएगा भी कि नहीं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके अंदर कोई आत्मा है। पता कैसे चलेगा? ये आत्मा जिसके शरीर में घुसती है उस हादसे की याददाश्त को उसके दिमाग से मिटा देती है। जिसके शरीर में घुसती है उसको पता ही नहीं लगता कि उसे क्या हो रहा है, उसे दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये भी उस किताब में लिखा था? हाँ। अगर हमें प्रेम नहीं मिला तो हम उस आत्मा से कैसे लड़ेंगे? उसका तरीका भी है मेरे पास।
क्या हुआ दिलीप? संगीता, ये तुम्हारे हाथ पे? ये मेरे हाथ पे क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा बोला और ते पुलिस के शरीर पे हुआ था। कहीं मेरे अंदर तो वो आत्मा नहीं आ गई? तुम आखिरी बार प्रेम से कब मिली थी? उसके कमरे में। वो तुम्हारे सामने गायब हुआ था? नहीं, याद नहीं आ रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता संगीता। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। हाँ संगीता, ये भोला, त्रिपुरेश, मनोज सबको निकल गई ये आत्मा। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे शरीर से निकल के ये आत्मा एक और शरीर की तलाश करेगी और जब उसको वो शरीर नहीं मिलेगा तो वो तड़पने लगेगी और तड़प तड़प के खत्म हो जाएगी। मुझे कहीं से ले चलो, जहाँ कोई ना हो। जल्दी करो, दिलीप जल्दी चलो चलो। संगीता, तुम जाओ दिलीप, तुम चले जाओ। संगीता, वो आत्मा मेरे अंदर से निकलने वाली। तुम जाओ दिलीप। शरीर है, कहाँ जाएगा? छोड़ दे कितनी, छोड़। संगीता,
इससे पहले कि ये आत्मा मेरे शरीर में घुसे, मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा अपने आप को, मार डालूंगा अपने आप को।